बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरशद जमाल अशरफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दीनी पैगाम। हम इस चैनल के तमाम व्यूवर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे चैनल को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई अपडेट हो वो उन तक सबसे पहले पहुँचें। हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी नूर बख्शी सामानी रहमतुल्लाही ताला अलैह, जिनका मज़ार अक़दस की छोचा शरीफ में वाक़े है, उनके बारे में कहा जाता है कि जो उनसे मोहब्बत करने वाला है वो जन्नती है और उसकी नजात है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, आइए आज की इस वीडियो में इसी का जायज़ा लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस गुफ्तगू को हम लताएफ़ अशरफ़ी से शुरू करते हैं। लताएफ़ अशरफ़ी जो हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के मलफूज़ात व इरशादात का एक मजमुआ है, उसके पहले हिस्से सफ़ा नंबर 16 पर लिखा हुआ है कि हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आलमे गैब से बारहा इस फ़कीर अशरफ के अंदर पुकारा गया कि तुझे जो कोई इखलास की नज़र से देखेगा और ख़ुसूसी तौर पर तेरी सोहबत इख्तियार करेगा उसको बख्शा जाएगा। आपने जिस मजलिस में ये फरमाया उस मजलिस में बड़े बड़े उलमा और मशायख मौजूद थे। आपकी ये बशारत और खुशखबरी सुनकर सब खुशी से झूम उठे। फिर आपने मज़ीद आगे इरशाद फरमाया कि जब सिर्फ शनाख्त से यानी देखने और सोहबत इख्तियार करने से ऐसी निस्बत कायम हो जाती है जो नजात का सबब बन जाती है, तो फिर इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, उनकी सीरत इख्तियार करना और उनकी पैरवी करना किस दर्जा बेहतर होगा। यहाँ मखदूम पाक ने दो बशारतें दी हैं। पहली बशारत यह है कि जो उन्हें देखेगा और उनकी सोहबत इख्तियार करेगा वो बख्शा जाएगा। ये बशारत और ये खुशखबरी उनकी ज़िंदगी तक महदूद थी, अब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब वो हमारे सामने नहीं हैं कि उनको देखा जाए और उनकी सोहबत इख्तियार की जाए और इस तरह अपनी मग़फ़रत कराई जाए। लेकिन जो दूसरी बशारत है वो क़यामत तक के लिए है, यानी जो कोई उनसे मोहब्बत करेगा और उनकी सीरत इख्तियार करेगा और उनकी रविश पर चलेगा, उनकी पैरवी करेगा, उसकी नजात और मग़फ़रत तो होगी ही, उसके अलावा वो किस दर्जा बुलंद मकाम मरतबे तक पहुँचेगा उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो मखदूम पाक से मोहब्बत रखने वाले हैं और उसके साथ साथ उनकी सीरत इख्तियार करने वाले, उनके तरीक़े पर चलने वाले और उनकी पैरवी करने वाले हैं, यकीनन उनकी मग़फ़रत होगी, उनकी नजात होगी, बल्कि उनका दर्जा बहुत बुलंद हो जाएगा। हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की इस बशारत की जो हकीकत है और इसके अंदर जो मज़मून बयान किया गया है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस से साबित है। वो हदीस चंद सहाबा से मरवी है, चुनांचे इमाम अहमद, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम अबू दाऊद और इमाम नसई रहमहुमुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। वो कहते हैं एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज़ करता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, उस आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो एक कौम से मोहब्बत करता है, कुछ लोगों से मोहब्बत करता है लेकिन अमल में उनके जैसा नहीं, यानी अमल में उनके मकाम व मरतबे तक नहीं पहुँचा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, यानी कल क़यामत के दिन इंसान उसके साथ रहेगा कि जिससे उसने मोहब्बत कर रखी है। अब यह हदीस हमारी रहनुमाई करती है कि जिसने मखदूम पाक रहमतुल्लाहि अलैह से मोहब्बत कर रखी है तो ऐसी सूरत में वो उन्हीं के साथ रहेगा और ये मौका उस वक्त नसीब होगा जबकि एक मोहब्बत करने वाले को आखरत में बख्श दिया जाएगा और उसकी नजात हो जाएगी, बशर्ते कि वो मोहब्बत करने के साथ साथ मखदूम पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हिदायत और तालीमात पर अमल करने वाला भी हो।